एक कॉलेज में अति प्राचीन महादेव मंदिर है। अब इस मंदिर का जीर्णोद्वार किया गया। काशीपुर में स्थित यह मंदिर पांडव कालीन बताया जाता है। काशीपुर के राजा राम तुलाराम इंटर कॉलेज में प्राचीन काल के बने हुए पिपलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा हवन के साथ भगवान शिव का जल अभिषेक कर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम पूरा हुआ। बताया जाता है इस मंदिर का निर्माण पांडवों के समय कराया गया था, जिसे पिपलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजा राम तुलाराम कॉलेज को जिंदल परिवार के राम कृपाल के द्वारा जमीन दान की गई थी और मंदिर कॉलेज परिसर में आ गया। जिंदल परिवार और कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य त्रिवेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि इस प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान जिंदल परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए, ये जो मंदिर है, मंदिर पांडवकालीन मंदिर है। विद्यालय प्रारंभ होने से पहले यहाँ पर मंदिर स्थापित था, क्योंकि आसपास की जमीन है वो जिस दिन की थी उन्होंने सबने अपनी बाउंड्री कर ली, तो इस मंदिर के लिए रास्ता नहीं था, तो उस आधार पर ये मंदिर जन समुदाय से छूटा हुआ था। लेकिन अब चूंकि कुछ समाज सेवियों के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, तो उस आधार पर फिर ये मंदिर और इसका दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए विद्यालय परिसर से ही रास्ता उसमें देने की बातचीत उसमें यहीं से विद्यालय से होते हुए जाएंगे वो। और इस मंदिर के जीर्णोद्धार में जो चारों ओर इसमें जो मूर्ति या चित्रकारी की गई है, वो चित्रकारी इसे ध्यान में रखकर की गई है, जिससे छात्रों को भी उससे शिक्षा प्राप्त हो सके, क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति एक बहुत अच्छी संस्कृति शासन रही है। और जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं वो विज्ञान के रूप में भी, चाहे खगोल शास्त्र के रूप में हो, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी कीर्तिमान स्थापित की है। उसी आधार पर अपने ऋषि मुनियों को भी इस मंदिर के चारों ओर इस मूर्ति के रूप में उनके ज्ञान को बच्चों के ज्ञान तक पहुँचाने के लिए इस चित्र के माध्यम से उनके चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और मंदिर के पीछे गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादा, जिनको मुगल काल में मुसलमानों के द्वारा दीवार में चिना गया, उनकी भी उसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से हमारे देश में नौजवान रहे हैं, अर्थात धर्म के प्रति आस्था, चाहे कुछ भी करना पड़े, जान भी हमको देनी पड़ेगी, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, ऐसा संदेश छात्रों को देने का प्रयास इस मंदिर के माध्यम से किया गया है। भोले बाबा का योगदान है ये तो सब बाबू जी मतलब प्रभु राम की कृपा है, ये सब प्रभु की मतलब कृपा से होता है, मनुष्य कुछ नहीं है, ये सब उसके आदेश के अनुसार होता है सब सारे कार्य। तो ये काफ़ी प्राचीन है, लगभग करीब 30-35 वर्ष है तो इनकी अपना मैं इसको चिंता देख रहा हूँ, और उससे भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अब आज इसका जीर्णोद्धार इतनी मतलब बढ़िया रूप में हमारे इनके जिंदल साहब ने कराया है, चारों तरफ के मतलब चबूतरे और ये अपना लॉन वगैरह बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।